विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में 10 तारीख से माता जी की आराधना का दौर शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से विशेष संयोग के साथ में गुप्त नवरात्रि भी शुरुआत हो रही है, जिसके अंदर तंत्र क्रिया का विशेष महत्व रहता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में कई ऐसे देवी देवता हैं जो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी देवियाँ भी यहाँ पर विराजमान हैं जो तंत्र क्रिया के लिए विशेष मानी जाती है। यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु के साथ में अघोरी व तांत्रिक क्रिया करने भी आते हैं। पंडित जी से जानते हैं। खड़गम चक्र गदेशु चाप वैढ़ लंब शुंडे श्रियम शंकम तस्तनय नाम सर्वांग भूषाभिता नीलाश्वे दुदमाधपाग दशकाम थे वे महाकालिकाम यामस्तो पपितो हरो पमलयुक अंतुम मधु के टपम। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम बताने जा रहे हैं कि जिस प्रकार देवी की पूजन अर्चना करनी चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त हो। क्योंकि छोटे से छोटी पूजन में यदि आप त्रुटि करते हैं तो देवी क्रोधित हो सकती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वप्रथम पहले आप देवी का एक बाजोट तैयार कर उस पर लाल कलर का वस्त्र जमाएं, उसके ऊपर एक कलश की घट स्थापना करें एवं नित्य देवी का सुबह शाम नित्य पूजन अर्चन करें, जिसमें विशेषकर यदि आप काली के महाकाली के भगत हैं तो देवी को आप रक्त चंदन अर्पित करें, और यदि आप महालक्ष्मी के भगत हैं तो हल्दी युक्त पदार्थ देवी को अर्पण करें। यदि आप महासरस्वती के उपासक या साधक हैं तो आपको श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्प माँ भगवती को अर्पित करें। इसके बाद श्वेत प्रकार की सामग्रियों का देवी को भोग लगाए, जिस प्रकार के जैसे कि भात है, दूध है या दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, इनका भोग लगाने से आपके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।